दमोह जिले के मड़ियादो में बालिका छात्रावास के समीप मौजूद शिवलिंग में तोड़फोड़ की गई है। यहां अज्ञात तत्वों ने शिवलिंग में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। जब यहां से निकलने वाले लोगों ने मंदिर में शिवलिंग की दुर्दशा देखी तो वे हैरान रह गए। शिवलिंग के पास भारी भरकम पत्थर, शराब की खाली बोतलें और एक हाथ में पहनने वाला कड़ा पड़ा हुआ था। वहीं दूर दूर तक शिवलिंग के टूटे अवशेष भी बिखरे थे। घटना की सूचना लोगों के द्वारा मड़ियादो थाना पुलिस को दी गई। घटना से लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी करीब 2.5 साल पूर्व यहां मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया गया था। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मड़ियादो थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे ने बताया कि घटना स्थल से कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जिनके माध्यम से आरोपी की तलाश की जा रही है। आज सुबह मड़ियादो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, यह मंदिर अपने नदी किनारे एक छोटी सी मंदिर बनी है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। एक वहाँ पे पत्थर पटका पड़ा मिला है, जो असामाजिक तत्वों की तलाश की जा रही है। जैसे मिलते हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की। सर, इससे पूर्व भी करीब 2 साल पहले इस जगह को तोड़ा गया था, उसमें भी कुछ पूर्व की जानकारी नहीं, आप लोगों द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। और जो यहाँ पे असामाजिक तत्व, क्योंकि ये नदी किनारे है और काफ़ी यहाँ सुनसान जगह है, रात में लोग वैसे भी बैठते हैं मंदिर के पास, उनसे और पूछताछ करके इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ शंकर जी की मूर्तियाँ खंडित मिली, शेष नांग भी टूटे हुए हैं। हाँ, एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर भी रखा है और एक चूड़ा भी वहाँ पर मिला है हमें, एक दारू का पंगा भी है। पुलिस को सूचना दी, पुलिस को सूचना भी दे दी हमने, पुलिस भी आई है यहाँ पर। उसमें एक पीतल का कढ़ा भी मिला है और एक दारू का पगुआ मिला है जी। और पता चल सकता है क्या कौन था? पता लगाने का प्रयास कर रहे, गांव वाली भी कर रहे हैं और पुलिस भी बोल रही है कि हर संभव हम लोग इसका पता लगाएंगे।